सत श्री अकाल। राम मंदिर का उद्घाटन सो बहुत सारे लोगों को बहुत खुशी है, जिसके असं भी शमूलियत करते हैं कि थानू बहुत बहुत मुबारक। हुण आने असल गल ते, असल गल की हैगी, असल कहानी की हैगी कि जिहड़े भोले भाले लोगों को लुटिया गया है उन्होंने दिल दिमाग के उपर एक छाया बनाई गई है। थानू पता है कि बहुत सारिया सरकारां ने बहुत चालां खेडियां राम मंदिर के नाम के उपर, जिवें अजकल पंजाब च भी बहुत सारिया चालां खेडियां जा रही साडे बंदी सिंघां दे नाम। सो आखिर वह दिन आ गया कि जदों जिहड़ा भारतीय जनता पार्टी नूं इह साबित करना पै गया जां कर दिता उन्हें कि मैं जिहड़ा बहुत धार्मिक इंसान हाँ। थानू नहीं लगता हैगा कि बहुत लोग जिहड़े कह रहे हैं कि राम अपनी जगह पर वापस आ गया, 500 साल के बाद राम वापस आ, मतलब पहला राम कित्थे सी, तुसीं मतलब किवें अपने आप नूं ही धोखा दे जा रहे हो कि राम मंदिर की स्थापना हुई तो राम जी आके बैठे। एक बेचारा बहुत भोला जिहा इंसान जिन्हें ये कह के राम पहले तंबू में बैठे थे और हुण वह अपनी जगह पर आके बैठे, सानू बड़ी खुशी हुई। तुसीं देखो कि एक साडी मतलब मन दे विच किवें वह चीज़ां जिहड़ियां सैट कीतियां जा रही कि असीं ये सोच रहे हैं कि राम पहला बाहर सी ते हुण राम अंदर आ गया है। तो जे उस एक मूर्ति की स्थापना के नाल तुसीं ये सोचते हो कि राम आ गया, मतलब सारे इंडिया दी जां फिर जो भी आउट ऑफ इंडिया है, मतलब सारिया मूर्तियां दे विच पहला राम नहीं हैगा सी। अगर हैगा सी ते फिर तुसीं ये क्यों कह रहे हो कि जिहड़ा राम की स्थापना हुई जां राम जी वापस आ गए, वह मंदिर की स्थापना हुई है, वह उस जगह की स्थापना हुई कि जिथे वह समझते सीगे कि राम जी ने इत्थे जन्म लिया, इत्थे जन्म होया सी, जन्म भूमि है। सो असी इस चीज़ का कोई दावा जो कोई इदा नैगेटिव मैं सैक्ट नहीं करना चाहती कि ये किवें बनिया, कि आस्था नूं ठेस पहुंची ते किदी नूं खुशी, एक वक्खरा मुद्दा हैगा क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पर मैं कभी कुछ बोलिया नहीं हैगा, मैनू नॉलेज ही नहीं हैगी इस बारे। बट हाँ मैं न्यूज़ सुन रही सी, न्यूज़ के मैं पता लगा कि लोग ये कह रहे कि राम जी वापस आए हैं, बहुत खुशियां मना रहे हो, सारा कुछ वधिया लग रहा, पर राम जी वापस आए, राम कित्थे गए सीगे, मतलब 500 साल थोड़े कोल राम जी नहीं हैगे सी, थोड़े जन्म शायद 50 साल पहला या 30 साल पहला या 20 साल पहला हुए होने हैं, बट तुसीं ये सोचो कि 500 साल तो राम ही है नहीं सीगे, मतलब असी इदा उन्होंने अदृश्य समझते हैं, अदृश्य तो सके बट वो कान कान में सी, कहते नहीं कि सबे घट राम बोले, हाले तक सानू तो यही नॉलेज से कि असी बेशक सिख धर्म तो बिलोंग करते हैं, मूर्ति पूजा साडे विच कोई इदा दा मायना नहीं रखती हैगी। बहुत सारे भगतां ने जिन्हां दा जिक्र बाणी दे विच भी किया गया, उन्होंने जिवें कि धाना भगत हैगा उन्हें पत्थर तो भी रब नूं पाया सी, सानूं उस चीज़ां का पता नहीं हैगा क्योंकि कोई भी सबूत जिहो जिहियां गल्लां नहीं हैगियां, बट चलो असी उस चीज़ां सारियां मन्नदे हाँ, असी मूर्ति पूजा जिहड़ी उहदा खंडन नहीं करदे क्योंकि हिंदू धर्म दे विच मूर्ति पूजा जिहड़ी है उही मेन चीज़ हैगी है। पर मूर्ति की स्थापना के नाल तुसीं ये कह दोगे कि राम अपनी जगह में वापस आया, पहले वो धक्के खा रहा था, तुसीं कहना की चाहते हो, मतलब जिहड़े पहला गुरुद्वारे सॉरी जिहड़े पहला मंदिर बने कि उन्हां दे विच राम दा निवास नहीं हैगा सी, जे निवास हैगा सी तो मतलब भटक रहे सी, उहदा अपना घर नहीं हैगा सी, असीं तां मंदिर इस करके जाने जो गुरुद्वारा इस करके जाने उत्ते रब हैगा। तो हुण तुसीं अगर एक गुरुद्वारा वड्डा बना के जां मंदिर वड्डा बना के कहोगे कि अज रब अपने घर आया, तो मैनू नहीं लगता कि किसी भी जगह तो ये थोड़ा माइंड जिहड़ा है बहुत सही गल कह रहा है, थोड़ा माइंड सैटअप किया गया है सरकारां ने, क्योंकि सरकार ये चाहती सरकार ने वोटरां नूं ले लिया, वोटरां नूं लुट लिया जिन्होंने जो ये चीज़ा कह रहे हैं, क्योंकि नहीं तो सबनों शुक्र करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए कि इन्ने वड्डे मंदिर की स्थापना हुई है और वो इतिहासिक जगह हैगी जिथे राम ने जन्म लिया सी। पर जिहड़ा उहदे नाल ये किया गया है कि भी 500 साल बाद वापस आया, दैट्स नॉट ट्रू, ये चीज़ा जिहड़ियां सानू सोचनिया चाहिए क्योंकि जिस राम की असी गल कर रहे हो कण कण दे विच हैगा। हाँ तो कुछ साढ़े सिख भाई भी उत्थे जा के कह रहे भी असी हिंदू सीगे पहला, अज वो हिंदुत्व की जिहड़ी खेड़ी गल लैके जा रहे है कि साडा जिहड़ा पता नहीं किहड़ा एक होर हरजीत सिंह कोई बाबा हैगा, तो वह ना तो हिंदू हैगा ना तो वह सिख हैगा, पता नहीं वह की हैगा, पता नहीं क्यों उन्होंने बाणा पाण तो भी नहीं रोकते हैं, पता नहीं साढ़े सिख भी की कर रहे हैं, क्योंकि सानू पता है कि पूरे गुरुद्वारे दे विच कोई भी असली सिख नहीं है, कोई भी असली धर्मी बंदा नहीं है, क्योंकि सारे मीट शराब खाते हैं, तो मीट शराब खाना किसी भी धर्म के
अलाउ नहीं हैगा, वर्जित हैगा, क्योंकि तुसी अगर तामसिक चीजा खांदे हो तुहाडा ध्यान जिहड़ा आ उह भटकदा। ते वैसे तुसी देख ही लिया होना किहड़ा बाबा बलात्कारी नहीं हैगा, मतलब हर कोई दे नाल कुछ करैक्टर जिहड़ा उह जुड़िया होया और अलैसी हैगा आ। सो इहो जिहियां चीजा शोभा नहीं दिंदियां हैगियां, पर तुसी देखो कि उह उत्थे जा के लंगर लगा रहा है और कह की रहे कि मैं हिंदू धर्म चो, तू सिख धर्म का होके भी लंगर लगा सकता, इदा दी कोई गल नहीं हैगी। बट तू एक मुद्दे बना के ना जा सरकारी, क्योंकि वो जो चीज़ा दे नाल जा रहा है वो तो इदा लगता है कि खरीदे गए लोग है जेडे उ गए ने जेडे उ पहुंचे ने। तुसी अगर सच्ची उस धर्म की आस्था हैगी है थोड़े लिए तो तुसी फिर इंटरव्यूज क्यों दे रहे हो? तुसी जाके लंगर ला लो, थोनू किन्ने देखना है, क्योंकि दिखावा तो सिख धर्म के है ही नहीं। पर वो की कह रहा, मैं हवन भी करता हाँ, मैं टिक्के भी लगाता हाँ, ठीक है तू कर, तू सिख बन के भी कर, पर तू फिर वो बाणी में ना, जिस बाणी के एवरीथिंग वर्जित हैगा, जिते कोई भी चीज़ इदा दी नूं मनन दे विच सही नहीं मनिया जाता, तो उस बाणी की बेइज्जती कर रहे हैं। तो बहुते तो दुख की ही गल हैगी है कि चाहे कोई मंदिर होवे, चाहे कोई गुरद्वारा होवे, अजकल सारे तनखाइए है, वो तनखाह दे के उन्होंने अपॉइंट किया जाता, उन्होंने दसिया हुई गल्ला वो बोलते हैं, धर्म का कित भी प्रचार नहीं रह गया। हिंदू धर्म भी कोई बहुता विकसित नहीं है, क्योंकि सारे देश में हिंदू हिंदू करके तुम ये नहीं कह सकते कि उस धर्म की पूजा हो रही है, बल्कि सरकार पैसे कमा रही है। कि गुरुद्वारे या कि मंदिर दे विच तुसी देखो कि धार्मिक शिक्षा दिती जाती है, किसी धर्म से नहीं दिती जाती। हुण जिवें कि पिछे जे कुछ स्कूल फड़े सीगे लखे सिधाणी ने, तो उन्हें कहा सी कि इत्थे RSS की जिहड़ी हैगी है फोटो लगी है, तो तुसी देख लिया होगा कि RSS तां बंदा खुद जिहड़ा उद्घाटन दे उत्ते मोदी दे नाल सीगा। चलो ये राजनीति ज़्यादा डूंगी हैगी, इहनूं इदां ना फैलाउंदे होए आपां ये गल करते हैं कि मेन मुद्दे दी कि जिहड़े मंदिर ते गुरद्वारे है ये साडा माइंडसैट धार्मिक बनाउण वास्ते सैट किया जाता, पर उत्थे धर्म नहीं हैगा, उत्थे धर्म की निंदिया हुंदी है। क्योंकि धर्म नहीं कहिंदा कि तुसी पैसे सुट्टो, तुसी मत्थे टेको, तुसी मन्नता मंगो, किसी भी धर्म दे विच सिर्फ रब नूं पूजन ते ध्यान दिता जांदा बिना किसी चीज़ तो। पर हर थां ते जिहड़े सरकारी मंदिर खुल गए आ, सरकारी गुरद्वारे बन गए आ, क्योंकि साडे तां पंजों तख्त जिहड़े हैगे आ बस नाम दे तख्त ने, उत्थे फैसले वो होंदे आ जिहड़े सरकारां चाहुंदियां, सरकारां दे हत्थां दे विच आ, वो सरकारां नूं की दिंदे आ की लैंदे आ तुसीं देख सकदे हो कि इन्ना ज़्यादा करोड़ां दा चढ़ावा होवे ते उत्थे धार्मिक शिक्षा ना होवे। ईवन कि जिहड़े पंज तख्त हैगे उह अपने आप नूं किवें तख्त घुमाउंदे आ ही नहीं पता। उह भई धर्म दा प्रचार इही मेन मकसद हुंदा आ, जो धर्म दा मोढ़ी हुंदा आ। पर देखो अज धर्म के मोदी तो मोदी वर्गे बन गए ने, धर्म के मोदी जिहड़े धर्म के विरोधी है वह तो अजकल धर्म नू मतलब प्रचार कर रहे ने, तो जिहड़ा असली प्रचारक हैगा उन्हां नू फड़ के उन्होंने उपर NSA लगा के उन्हां नू सलाखा के पिछे सुटिया जाता। ये अज की राजनीति है। अज किसी भी जगह पर राजनीतिक लोगों ने छड़िया नहीं हैगा, स्कूल की जगह पर शिक्षा नहीं छड़ी, मंदिर की जगह पर गुरुद्वारे की जगह पर कोई धार्मिक आस्था नहीं छड़ी। कुछ लोग है जिहड़े कहिंदे कि मंदिर से दुध तुसी ना बरान करो, तुसी बाहर किसी नूं दे दो, पर वो कहिंदे साडी आस्था असीं शिवलिंग ते पाणा। चलो ये आस्था तो एक समझदारी का मुद्दा है, ठीक है। साढ़े भी इदा गुरुद्वारे कहिंदे कि तुसी ज़्यादा चढ़ावा ना चढ़ा के तुसी किसी गरीब के मूँह च पा दो, पर नहीं असी जो वो चीज़ आँदी ना साढ़े ते, जे मेरे को पैसे आ ते मैं गुरुद्वारे देना चाहती हाँ, तो फिर ऑटोमैटिकली मेरा माइंड जिहड़ा उदा दा हो जाता कि मैं उत्थे जाके चढ़ावा चढ़ा देवा, बस ता ही मेरी आत्मा नूं शांति आनी, ता ही मेरा रब जिहड़ा वह मनना है। पर असी इदा किते नहीं करते हैं कि असी बाहर लंगर लगा के अपने आले दुआले देखिए, क्योंकि रब तो साढ़े नाल ही वसदा ना, परमात्मा की कमी है कितने है? क्योंकि जे मेरे नाल दा कोई इंसान, कोई मेरा फ्रेंड, कोई मेरा रिश्तेदार, अगर वह गरीब है तो पहला मैं उसकी हेल्प कर लवा, क्योंकि अगर रब साढ़े बिल्कुल लागे है तो फिर सानू बिल्कुल लागे तो लोगों को पहला देखना चाहिए है। सो मंदिर गुरुद्वारे की जी स्थापना वो साढ़े विचारों धार्मिक करने वास्ते, साड़ी आस्था जी
उपलब्ध करने वास्ते सानू धार्मिक मन करने वास्ते बनाया गया सी। पर इत्थे देखो सरकारां मंदिर खोल रही है क्योंकि धार्मिक गुरु है गए। दसो मोदी ठीक है, रिस्पैक्टफुली नाम लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री, पर वो काम भी तो करे ना। एक असी नॉर्मल इंसान उठ के उंगली उठा रहे हैं कि तू की हैगा या तू तू कि धर्म गुरु हैगा या कि तेरे को धर्म की जी। सानू तो वीडियो ही दिखाई जा रही है कि उस स्थापना के सब तो पहला अगे हैगा। जे तू इन्ना वड्डा मंदिर बनाया वो समझ लो कि लोगों ने उन्होंने अपने मतलब धर्म का एक हिस्सा समझिया, मतलब सारा कुछ ही समझिया। तो फिर तुम ये भी सोचो कि उस जगह पर कोई धर्म गुरु भी स्थापित कर लेना चाहिए सी, क्योंकि तुसी की कर रहे हो कि वोटा की राजनीति करके, क्योंकि वोटा ला के आ वोटा के उपर बस उन्हों का असर पै जाए, जो वोटर है वो खिंचे हो कि हाँ जी साढ़े भी अगर कोई गुरुद्वारा बनेगा कोई व्डा बनेगा तो असी भी ऑबियसली शायद उन्होंने ही जिदा वोटा पावे। पर मैं नहीं अपना नहीं मैं कह सकती, बट साढ़े तो मतलब मेरे आले दुआले वाले जा असी लोग तुसी सारे पंजाबी असी एक ही है। सो इदा लगता है कि अगर साढ़े नाल भी राजनीति होंगी है तो असी भी इस राजनीति के शिकार होंगे हाँ। पर होना की चाहिए है कि उत्थे धर्म का अगर प्रचार होवे कि उत्थे मंदिर तक खोलिया गया, शायद उत्थे पूजा भी सारा दिन चलेगी, शायद उत्थे आस्था सारा दिन रहेगी, पर उत्थे प्रचार ज शिक्षा वो नहीं होएगी। क्योंकि प्रचार तो उही हुंदा ना जो किसी के दिमाग दे विच हुंदा, जो उत्थे सिखाणगे जो करनगे जो जो एवें ही दस्या जांदा है कि सच बोलो तो मदद करो तो ये वो, मतलब जो जो जिहड़ियां पंजा विकारा तो दूर रहो। पर कौन रहिंदा है उत्थे मंदिर दे आप ही जां गुरुद्वारे दे आप ही पुजारी जिहड़े आ उही बलात्कारी सिद्ध हो गए आ, हुण उत्थे की करना। इस मुद्दे दे उपर जाणा बहुत यानी कि डूंगा सोचने की गल हैगी, इन्ना डूंगा सोच नहीं सकते क्योंकि कई बार होंगे कि तुसी खुद वो चीज़ नू जिहड़ा फील करते हो तो कह देंगे दे, पर सामने वाले नू लगता ये तो मेंटल आ तो पागल आ, क्योंकि इहोजियां गल्लां जिहड़ियां कहिंदे ना, क्योंकि साडे मन च सैट कर दिता गया कि धार्मिक दिखण वाला इंसान ही सिर्फ धर्म का ठेका लैके रख सकता, दूसरा कोई बोल नहीं सकता। जिवें मैं पहला भी दस्सिया सी कि जसवीर जस्सी की एक इंटरव्यू बहुत फेमस हुई है, तो वह फेमस नहीं वायरल हुई है, तो उसके विच वो कह रहे हैं कि नकोदर जिहड़ा गुरु उत्थे मन्या जाता है तो वह गुरु नहीं हैगा, भी उन्हों तुसी ना मनो उस जगह नू इस तरीके दे नाल ना इस्तेमाल करो कि अपना आदर्श उन्हां नू बनाओ अपना आइकोन उन्हां नू मनो, क्योंकि उहदी कोई भी देन नहीं हैगी। और एहो जे लोग अगे आन, क्योंकि सिख होना जा हिंदू होना जा जनेऊ पाउणा जा कृपान पाउणी इह मुद्दे बहुत बाद दे हैगे आ। पहला असी लोगों दे विच चीज़ां तो उजागर कर लईए कि धर्म हैगे आ, और तुसी अगर सिख हो के मंदिर जा रहे हो तो थोड़ी कोई आस्था ते फर्क नहीं पैंदा, और तुसी अगर हिंदू हो के गुरुद्वारे जा रहे हो तो भी नहीं पैंदा, क्योंकि तुसी अंदरों अपने गुरु नू सचता करना है। और हर एक जगह दे उपर अगर गुरु आ तो फिर वो मतलब हर जगह ते हो सकता है, फिर मंदिर और गुरुद्वारा खाली नाम दे कि तुसी किवें दा बना के मनना चाहते हो, तुसी उदा मन रहे हो, असी किवें दा बना के मनना चाहते हो, असी उदा मन रहे हैं। जे वो हिंदू धर्म दे विच मूर्ति नू सारा कुछ मनिया गया जां मत्था टेकिया गया, असी ते फिर साढ़े ते क्या ही गया ना गुरु मान्यो ग्रंथ ते सानू वो चीज़। असी अगर सवेरे चलते हैं तो थानू पता हुक्मनामा साढ़े दे साढ़े विच जिहड़ा बहुत एक अहमियत रखता है, तो फिर असी भी तो एक चीज़ नू इंसान मन रहे ना। ये जिहड़ियां थिंग्स हैगियां आ इह लिविंग नहीं हैगियां, पर असी समझदे कि साडा रब इहदे विच आ। फिर आस्था दे तां क्वेश्चन नहीं कर सकदे कि कौन मंदिर जा रहा कौन गुरुद्वारे जा रहा कौन नमाज पढ़ रहा कौन जीजस नूं मान रहा। सो इत्थे सवाल यही पैदा हुंदा कि जे बहुत सारा पैसा लगा के तुसी गुरुद्वारा जां मंदिर बनाते हो ना, तो फिर उहदा मोटिव जिहड़ा हुंदा तुसी उह तां पूरा करो, तुसी धार्मिक शिक्षा वास्ते उत्थे स्कूल बनाओ जां कुछ भी बनाओ। वैसे गल तां इह हैगी कि हर स्कूल दे विच अगर धार्मिक शिक्षा दित्ती जांदी तां किन्ना वधिया होणा सी, हर धर्म दी शिक्षा दे दित्ती जांदी, क्योंकि साडा जिहड़ा इंडिया हैगा वो सारे धर्मां दा सांझा देश सी, पर हुण बंटवारा हो चुका है, हुण तां पता नहीं मन भी बदल गए आ, सारा कुछ हो गया, कित्थे जाणी है लई कित्थे नहीं जाणी कोई पता नहीं। सो राम मंदिर की एक बार फिर सारे मुबारक, आज का दिन शुभ होवे। थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल।